हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत हूँ। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों को जिनको प्रमोशन से बाहर किया जा रहा, वो सिंधिया जी से जाकर मिल सकते हैं, क्योंकि सिंधिया जी ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। और सिंधिया जी ने ट्वीट भी किया था कि अतिथि शिक्षकों को सम्राट सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। लेकिन प्रमोशन से अतिथि शिक्षक जो बाहर हो रहे हैं उसको लेकर सिंधिया जी से दोबारा मिले अतिथि शिक्षक, ज्ञापन देवे, और जो बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक उनको पुनः नियुक्ति दिलवाई जाए। तो उसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने, इसलिए अतिथि शिक्षक सम्मान से जीवन यापन कर सकेंगे। सिंधिया जी ने ट्वीट किया था और ये बोला था, मैंने जो वादा किया वो पूरा कई किया है सम्राट सरकार ने। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। ठीक है, तो मैं विस्तार से इसके संबंध में जानकारी आपको देने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। इसे बोला गया ज्योतिराव सिंधिया जी के कहने पर सम्राट सरकार ने इतनी बड़ी सौगात दी है। ठीक है, अतिथि शिक्षक प्रमोशन लिस्ट से बाहर, इतने अतिथि शिक्षक बाहर होंगे इस बारे में ज्योतिराव सिंधिया जी को किसी भी अतिथि शिक्षक अवगत करार नहीं है। इसलिए 52 जिले के अतिथि शिक्षक उनका अवगत कराएंगे। इसके लिए ज्योतिराव सिंधिया जी, अतिथि शिक्षकों के पक्ष में हम सभी सुरक्षित हो सकते हैं, इसलिए आप सभी अतिथि शिक्षक मिलकर प्रयास करें और अवगत कराएं। ठीक है, सभी अतिथि शिक्षक सिंधिया जी को अवगत कराएं कि प्रमोशन से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बाहर ना हो गए क्योंकि आपने जो वादा किया है उसे पूरा करें। तो सभी अतिथि शिक्षक मिलेंगे सिंधिया जी से। और शिवराज सरकार ने जो 2 तारीख को अतिथि शिक्षकों के हित में बड़े बड़े फैसले लिए थे वो अभी तक लागू नहीं हुए, तो उसे लागू करवाने का भी भरपूर प्रयास किया जाएगा। बोले भाजपा ने अपना वादा पूरा किया। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने और शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दिए जाने और अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेने के भी निर्देश दिए गए थे, तो अभी तक लागू नहीं किए गए हैं, तो जल्द से जल्द लागू किए जाए। मुख्यमंत्री ने 68,000 अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल किया है, शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने की मांग स्वीकार की है और अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा जल्द लेने की भी घोषणा की गई है जो अभी तक लागू नहीं की हो। अनुबंध भी 1 साल का करने का घोषणा की गई थी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, लेकिन अभी तक लागू नहीं की गई है। तो ये सभी बातों को अवगत कराया जाएगा सिंधिया जी से। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक मिलेंगे सिंधिया जी से और इसी सभी बात को अवगत कराएंगे। और जो इनने वादा किया है वो घोषणा पत्र में या राजपत्र में दर्ज करवाने का निवेदन करेंगे और जल्द ही लागू करवाने के लिए सिंधिया जी से मिलेंगे।